राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रविवार को अपना 76वां जन्मदिन मनाएंगे। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पिता को किडनी देने के बाद पहली बार पटना पहुंची। वो पिता के बर्थडे कार्यक्रम में शामिल होंगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन में शामिल होने के लिए बेटी मीसा और रोहिणी आचार्य शनिवार को पटना पहुंची थी। रोहिणी ने पटना पहुंचने के बाद अपने पिता को लेकर कहा कि मेरा चारों धाम यही है, उन्हीं के दर्शन करने आई हूँ। बेटियों की किडनी देने के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि बेटों को भी सीखना चाहिए। वहीं राजनीतिक सवाल पूछे जाने पर रोहिणी ने कहा कि विपक्षी एकता में लालू यादव की भूमिका कमजोर नहीं हुई है। लोग चार धाम जाते हैं यात्रा करने के लिए, मेरे चारों धाम यहीं पे हैं, तो उन्हीं का दर्शन करने आए हैं। आपने उन्हें किडनी दी, पूरे बिहार में चर्चा है, आपको लगता है कि बिहार की बेटियों को भी इससे सीख लेना चाहिए? बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी सीख लेना चाहिए इससे। लालू प्रसाद जी में आपको लगता है कि उतना अभी दम है, क्योंकि विपक्षी एकता की बात हो रही है कि यहाँ सबको एकजुट करेंगे? अब तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि वो कमजोर हो गए। कैसे कमजोर? वो कमजोर नहीं हुआ, अभी भी लालू जी का नाम किसी की भी जुबान से हटा एकजुट करेंगे। अब तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि वो कमजोर हो गए। कैसे कमजोर हो गए? वो कमजोर नहीं हुआ, अभी भी लालू जी का नाम किसी की भी जुबान से हटा सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये रोहिणी आचार्य थी। रोहिणी आचार्य लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में से एक हैं। वह लालू की छोटी बेटी और पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने साल 2002 में अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर शमशेर सिंह से शादी की थी। वह फिलहाल सिंगापुर में ही रहती हैं, लेकिन सिंगापुर में रहने के बावजूद वह भारत के राजनीतिक मामलों को लेकर सक्रिय हैं और राजनीतिक टिप्पणियाँ करती रहती हैं। रोहिणी ने किडनी डोनेट किए पहले एक पोस्ट में लिखा था, इस दुनिया में मुझे आवाज़ देने वाले पिता जो मेरे लिए सब कुछ हैं, अगर मैं अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी योगदान दे सकूं तो मैं बेहद भाग्यशाली महसूस करूंगी। माता और पिता इस धरती पर भगवान हैं और सभी को उनकी सेवा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा था, मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे सभी से विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं भावुक हो गई हूँ, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। रोहिणी ने कहा था कि जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज़ दी, जो मेरे सब कुछ हैं, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा योगदान दे सकूँ तो मेरा यह परम सौभाग्य होगा। धरती पर भगवान माता पिता होते हैं, इनकी पूजा सेवा हर बच्चों का फर्ज है। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुरुआत में नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रोहिणी उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें अपनी किडनी डोनेट करे, लेकिन रोहिणी ने ऐसा करने के लिए उन पर दबाव बनाया। काफी मान मनोबल के बाद लालू इसके लिए तैयार हो गए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।